अस्सलाम वालेकुम। डिस्कवर पाकिस्तान के प्लेटफार्म से मैं हूं आपका होस्ट तारिक तनवीर। हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, हमारे पाकिस्तान में अगर हम चीनी की कंजम्पशन की बात करें, तकरीबन 25.6 किलोग्राम चीनी जो है हम सालाना पाकिस्तान में, हमारा ऑन एवरेज चीनी जो है ना हर पाकिस्तानी इस्तेमाल करता है, और ये ग्लोबली दुनिया में सबसे ज़्यादा चीनी का जो है ना वो इस्तेमाल है। और इस तरह ओवरऑल अगर 24 करोड़ जो हमारी आबादी है, ये तकरीबन 6 अरब 14 करोड़ से किलोग्राम से ज़्यादा की चीनी हम जो है ना इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके लिए हमारे जो मुल्क का किसान है वो तकरीबन लाखों किसान मिलकर तकरीबन 30 लाख एकड़ के ऊपर जो गन्ना ग्रो करते हैं उससे हम जो चीनी जी है ये पैदावार जो है ना उससे निकालते हैं। और हमारे मुल्क का किसान बहुत मेहनत करके हमारे लिए ये जो है 30 लाख एकड़ के ऊपर गन्ना जो है वो उगाता है। हम देखेंगे कि हमारा जो फार्मर है वो किस तरह अपने आप को ब्रांड करके अपनी किस्मत को, अपनी हालत को बेहतर कर सकता है, वो कौन सी वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट शुगर केन से बना सकता है जिससे वो अपने आप को ब्रांड बना के अपनी जो है ख़ानदान के लिए बेहतर पैसे कमा सकता है। और इसके साथ हम देखेंगे कि फी एकड़ पैदावार जो पाकिस्तान में जो है दुनिया के मुकाबले बहुत कम है, इसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। आइए चलते हैं। सब थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका। आज का प्रोग्राम बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हम शुगर केन और इसकी वैल्यूडेशन पे बात करने जा रहे हैं। तो साहिब साहब ये बताइए कि पाकिस्तान में जो शुगर केन का अगर हम देखें कौन से वक्त इसके लिए मौजूद हैं काश्त करने के हवाले से, और इसको किस तरह की मट्टी जो है ना इसके काश्त के लिए चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहली बात तो ये जी कि गन्ने को उगाने के लिए सबसे मौजूद वक्त वो होता है जब उसकी जड़ बहुत अच्छी निकल सके और उगने के बाद उसको मौसम की सख्तियों का कम सामना करना पड़े। तो पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे सेंट्रल पंजाब से दाएं और बाएं के अंदर जो इसका सबसे अच्छा वक्त होता है वो या तो सितंबर में होता है, यानी कि सितंबर की जो काश्त है वो मुस्तमल है, इस्तेमाल की जाती है, लोग उसको बहुत सक्सेसफुल समझते हैं, क्योंकि सितंबर से लेकर अक्टूबर में उसने उगने और उगने के बाद सर्दी आने से पहले पहले उसने अपना पौधा जो है वो बहुत अच्छे तरीके से ना मेनटेन कर लेना। दूसरी चीज़ इसमें मैं समझता हूँ कि जी आप सबसे अच्छा जो निज़ाम है दूसरे नंबर के ऊपर वो फरवरी काश्त का है। फरवरी कल्टीवेशन जो है उसके अंदर पौधे को भी उगने का और उगने के बाद जड़ को स्टैब्लिश करने का बड़ा अच्छा मौका मिलता है, क्योंकि ये अब मौसम गर्मा की फसल है, C4 क्रॉप है, इसके अंदर जो है वो बहुत अच्छा ग्रैमिनी फैमिली से बिलोंग करती है। अब ये तमाम चीज़ें जो हैं इसके अंदर जो है वो हम हर सूरत में गर्मी के मौसम को सपोर्ट करते हैं, और जितनी ज़्यादा गर्मी के अंदर ये पौधा और हबस के अंदर होगा उतनी ज़्यादा इसकी जो है ना वो प्रोडक्शन, इसकी हाइट, इसका वज़न और इसकी शुगर रिकवरी जो है बढ़ती जाएगी। तो बेहतर है जी इसको फरवरी काश्त में लगाएं या इसको सितंबर काश्त में लगाएं। जैसे हमने देखा 400 KPK में बहुत ज़्यादा शुगर केन लगाने के हवाले से फेमस है, फिर पंजाब का महाराष्ट्र जो पोठोहार छोड़ दें, बाकी ओवरऑल पूरा पंजाब जो है, तो देखिए जी बताइए किस तरह कितना एरिया जो है ना पंजाब में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में इसके ऊपर शुगर केन की कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल। शुगर केन जी हमारी इस वक्त मेजर क्रॉप्स में से एक क्रॉप है, और गंदम के बाद और दूसरा यानी कि ये दूसरी और तीसरी अहम फसलों में एरिया के हिसाब से समझी जाती है, बहुत बड़ी शुगर रिकवरी के लिए, क्योंकि हमारी कौम जो है वो मीठा खाने की हमेशा से आदी रही है, तो जब तक मिठास ना हो किसी खाने के अंदर, पीने की चीज़ के अंदर, तो उसके लिए शुगर रिकवरी यानी कि चीनी बनाना जो है वो सबसे ज़्यादा जो है, वैसे दुनिया में और कुछ 6-7 फसलें हैं जहाँ से चीनी निकाली जा सकती है, लेकिन चूंकि इसकी परसेंटेज ऑफ रिकवरी बहुत ज़्यादा है, एक एकड़ से बहुत बड़ी मिकदार में चीनी और चीनी का जो इसका शरबत है इसे निकाला जा सकता है, जिसको आमतौर पर हम शुगर जूस कहते हैं, तो इसलिए ये पाकिस्तान में बहुत बड़े एरिया पर लगाई जाती है। दर्जनों शुगर मिल्स पाकिस्तान में मौजूद हैं और हर एरिया में। अब इसके पीछे दो बड़ी वजूहत हैं, कहीं पे इसको मौसम सूट करता है और कहीं पे इसको ज़मीन रास आ जाती है, तो जहाँ पे ज़मीन रास आती है वहाँ पे इसको ज़मीन की रासियत की वजह से ज़्यादा, जैसे मर्दान में और उन जगहों के ऊपर, हालांकि वहाँ पे गरमाइश का पीरियड जो है वो ज़रा कम है। सिंध में और रहीमयार खान से ऊपर का जो एरिया है समुंदर की तरफ जो है वहाँ पे इसकी पैदावारें जो है बहुत ज़्यादा आती है। पाकिस्तान में अगर हम इसके मेथड ऑफ कल्टीवेशन की बात करें, इसमें कौन से तरीके हैं, इसको इसकी बर्ड्स ली जाती है, इसका सीड लिया जाता है, या क्या मतलब इसको किस तरह कैसे लगाया कैसे जाता है? अच्छा जी, शुगर केन जो है ना बड़े मज़े की फसल है, ये अपना बीज भी बनाता है। अच्छा, और इसको सोमेटिक तरीके से यानी कि इसकी अपने ये मैं अभी आपसे सुना वैसे है कि गन्ने का सीड भी होता है, मेरे लिए बड़ी हैरान कन बात है।
गन्ने हमारे जी तकरीबन शायद 90% से ज़ायद काश्तकार ये समझते हैं कि इसको सिर्फ कटिंग से लगाया जाता है, सोमेटिक तरीके के साथ लगाया जाता है, यानी कि इसकी इस पोर्शन को काट के जहाँ पे इसकी आँख मौजूद है उस आँख से इसकी री ग्रोथ जो है जर्मिनेशन ली जाती है, लेकिन असल में जो इसका तरीका है ये अपना फ़ज़ पैदा करता है, ये अपना बीज बनाता है। अच्छा। और फ़ज़ जो है, जो बीज है वो गन्ने की उस हाइट पे, ये बिल्कुल काने की तरह होता है, जो काना है ना जैसे आपने बड़े ऊपर जाके बूर लगा लेता है, तो पाकिस्तान में सिर्फ दो इलाके ऐसे हैं जहाँ पे ये अपना वायबल फ़ज़ यानी कि अपना बीज जो उगने के काबिल बीज है वो पैदा करता है। एक सिंध में सजावल एक शहर है, वहाँ पे ये अपना बीज पैदा करता है। और दूसरा हैरानकुन तौर पे मरी से कुछ नीचे एक जगह छरा पानी है जहाँ पे शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कायम हो चुका है, तो वहाँ पे ये अपना बीज पैदा करता है। वहाँ से हम बीज लेते हैं, बीज लेके इसको रिसर्च स्टेशन में उगाया जाता है, इसकी अच्छी वैरायटीज़ जो है वहाँ से सिलेक्ट की जाती हैं और उसके बाद इसको प्रोपेगेट कर दिया जाता है पूरे मुल्क के अंदर, जहाँ पे आम किसान जो है वैरायटी को यहाँ से कटिंग से सोमेटिक तरीके से इसकी गंडी निकाल के जो है वो काश्त करते हैं। बिल्कुल, अभी हमारे जो फार्मर हैं वो बता रहे थे यहाँ पे हम 1400 मन तक ले रहे हैं, जबकि दुनिया बहुत ऊपर 2500 मन तक भी जा रही है। तो ये 800 मन और 1500 मन और फिर 2500 मन ये डिफरेंस कैसे पूरा किया जा सकता है? गन्ने को भी पढ़ने के लिए इसकी टोटल 4 बीमारियां, इसके 5 कीड़े हैं और इसकी 5 ही खादें हैं। आप 1 घंटे में इनको पढ़ के याद कर सकते हैं, खुदारा इसको पहले पढ़ के और फिर तरीकाकार सही कर लें। जो आपका सही तरीकाकार है काश्त करने का उसके मुताबिक काश्त करें, वक्त काश्त सही कर लें, उगाने का तरीका, और इन सबसे बड़ा खादों का जस्टिफाइड यूज़ कर लें। कौन सी खाद कब डालनी है, आपने ज़मीन की तैयारी के वक्त फॉस्फोरस का इस्तेमाल करना है, जब पौधा उग के थोड़ा बड़ा होता है तो आपने उसके ऊपर जो है यूरिया या नाइट्रोजन खादें इस्तेमाल करनी है, और जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो आपने पोटाश खादों का इस्तेमाल शुरू करना है। मैं आपको एक बड़ी टिप की बात बताता हूँ, जैसे आप हमेशा कहते हैं, पहली बात तो ये है कि आपने जब इसकी गंडी या इसको वेजिटेटिव पोर्शन को ज़मीन के अंदर लगाना है तो उसको आपने हार्मोन्स के साथ ट्रीट करना है, PGRs के साथ ट्रीट करना है, जो कि आमतौर पर उगाने के वक्त में उसको हम जो सबसे स्पेशल हार्मोन लगाते हैं उसका नाम है IBA, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। IBA का सोल्यूशन जो है उसके अंदर हमने इसको डिप करना है, भिगोना है, अगर भिगो नहीं सकते तो स्प्रे करके लगा दें इसको। उगने के फौरन बाद बहुत ज़बरदस्त जड़ें बनेगी, पौधे की ग्रिप मजबूत होगी। जिस पौधे की जड़ें शुरू में अच्छी बन जाती हैं तो आपको पता है वो खुराक अच्छी लेता है और इसी तरीके से पौधा जो है वो बढ़ोतरी अच्छी करता है। बिल्कुल, आपकी फसल बजाय साल के 8 महीनों में 9 महीनों में तैयार हो जाएगी, बेचने के काबिल हो जाएगी, हार्वेस्टिंग के काबिल हो जाएगी, गन्ने का साइज़ बड़ा बनेगा, उसकी हाइट पूरी होगी, ये सिर्फ एक प्रैक्टिस से। और उसकी कीमत IBA की 1 एकड़ में इस्तेमाल करने की सिर्फ 200 रुपए की है। उस 200 रुपए के साथ आप अपने गन्ने को बेहतरीन जो है वो ग्रोथ दे सकते हैं, Day 1 से जड़ें बेहतर करके। जब ये 1 फुट से 1.5 फुट का हो जाए तो दूसरा हार्मोन इसके ऊपर स्प्रे करें, उस हार्मोन को हम कहते हैं जिब्रेलिक एसिड 3 GA3, मार्केट से मिल जाता है, आम अवेलेबल है, ये तकरीबन 200 रुपए की टिक्की मिलती है जो 1 एकड़ पे स्प्रे होती है, आप किसी दुकान से किसी इदारे से ले लें। तीसरी चीज़, आपने अपनी फसल को लाजमी तौर पे ट्रेस एलिमेंट्स इस्तेमाल करने, कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रेस एलिमेंट्स, आपने इसमें जिंक, बोरान, कॉपर, मैग्नीशियम, तो उसके लिए आप बेहतर है कि सुल्तान टी, सुल्तान इसके लिए इस्तेमाल करें, ये 5 किलो का पैकेट के अंदर अवेलेबल होता है और ये तमाम फसल को रैपिडली ग्रो करने के लिए, इसकी तमाम गजाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, इसकी मिठास को बेहतर करने के लिए, शुगर की रिकवरी को बेहतर करने के लिए, ये 3 प्रैक्टिसेस बड़ी ज़रूरी हैं। तो बराए करम किसानों को ये समझाना, गाइड करना बड़ा ज़रूरी है कि उसको ट्रेस एलिमेंट का इस्तेमाल ज़रूर करें, 5 किलो का पैकेट जो है किसी भी कंपनी से ले लें, आपकी फसल की शक्ल और रंगत ही बदल के रख देगा। बिल्कुल ठीक है। ऐसा इसकी अब वराइटीज़ की जो एक सिलेक्शन होती है, जबकि इसमें गुड़ बनाने के लिए अलग वराइटीज़ होनी चाहिए होंगी, मिलें जो हैं अपनी शुगर रिकवरी के हिसाब से इसको देखती हैं, तो वराइटीज़ के हवाले से थोड़ा सा गाइड करें कि सिलेक्शन ऑफ वराइटीज़ कैसी होती है और किस तरह करनी चाहिए, फार्मर कैसे सोचे इसको सिलेक्शन जब वो इसको गन्ना लगाना चाहिए। देखिए, हमने इसको दोनों एंगल से सोचना है, किसान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ताकि वो गन्ने की पैदावार ज़्यादा निकले, मिल के भी और मुल्क के हिसाब से भी सोचना है कि शुगर केन परसेंटेज उसके अंदर जो है या शुगर रिकवरी जिसे कहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इन दोनों आस्पेक्ट को सामने रखते हुए जो रिसर्च के इदारे हैं उन्होंने बहुत अच्छी वैरायटीज़ पंजाब के लिए लहदा, सिंध के लिए लहदा, खैबर पख्तूनख्वा के लिए लहदा, तो आप अपने नज़दीकी सेंटर से, हम आपको इसकी पूरी लिस्ट भी दे देंगे, अपने नज़दीकी सेंटर के मशवरे से कि आपने किस इलाके में काश्त करना है, ये हो गया उसका सिलेक्शन का पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया ये होता है कि उसके अंदर बीमारियां ना हो, रत्ता रोग ना हो, रेड रॉट ना हो उसके अंदर, उसके अंदर
कीड़ों से बचने की सलाहियत बड़ी अच्छी मौजूद होनी चाहिए, इनकी रेजिस्टेंट वैरायटी, मौसम की सख्तियों को बर्दाश्त करना चाहिए। और सबसे अहम और ज़रूरी बात, आपके इलाके की शुगर मिल जो है उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होनी चाहिए। अगर आप शुगर मिल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं लगाएंगे तो वो आपको कम रेट देगा, आपको कम पैसे देगा। तो पहले दिन से आपने महकमा ज़रात और शुगर मिल के माहरीन के साथ मिलके, हर शुगर मिल के पास ज़री माहिर मौजूद होते हैं, उनसे मशवरा करें और जो आपके इलाके में तरजीही वैरायटी है जिसकी शुगर की रिकवरी भी अच्छी है, बीमारियों से मुजामत भी अच्छी है और पैदावार भी ज़बरदस्त है, इन तीन चीज़ों के कॉम्बिनेशन वाली वैरायटीज़ जो है अपने इलाके में लगाने की कोशिश करें। गन्ने की जो वैल्यूडेशन है वो डॉक्टर साहब इसको किस तरह आप देख रहे हैं और पाकिस्तान में आप किस तरह इसको प्रमोट करने के लिए मुख्तलिफ इकदाम कर रहे हैं इसके लिए? लेकिन इसमें जो बहुत बड़ी इनोवेशन और चीज़ थी वो आपके लिए बड़ी आपके लिए तो खैर आपने पहले से देखा हुआ है, मैं काश्तकारों के लिए नई चीज़ है कि पिछले कुछ 40 साल से पाकिस्तान में एक कानून मौजूद था जिसमें किसान अपने गन्ने को वैल्यू ऐड नहीं कर सकता था। अच्छा, उसको एग्री टूरिज्म ने अपने सोर्सेज से और बकिया दोस्तों के सोर्सेज से कोर्ट में जाके इस केस को जो था डिफेंड किया, इसको फाइट किया और 40 साल के बाद इस कानून से किसान की जान छूटी। आप हैरान होंगे कि जो बंदा अपने खेत में अपने गन्ने से गुड़ बनाने की कोशिश करता था उसको गिरफ्तार किया जा सकता था, उसको काबिले सजा जुर्म था ये, तो उसको 6 माह के लिए कैद हो सकती थी। तो आज वो कानून ख़त्म होने के बाद, यानी कि आज से 1.5-2 साल पहले जब ये कानून ख़त्म हुआ तो उसके बाद गुड़ मेलों की बेतहाशा एग्री टूरिज़म ने पूरे मुल्क के अंदर एक जाल, एक नेटवर्क बिछाया जिसमें लोगों को ये बताया गया कि गन्ना बेच के आपको उतना मुनाफा नहीं होता जितना कि आपको गुड़ बना के होता है। ये तो पहली स्कीम थी, फिर गुड़ की शेपिंग कर दी, फिर गुड़ की शेपिंग करने के साथ ब्राउन शुगर के ऊपर आ गए। ये वो चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तानी मुआशरे में इस वक्त शदीद ज़रूरत है कि बजाय चीनी खाने के, बजाय चीनी खा के नुकसान उसके लेके आने के केमिकल सिंथेसिस के जरिए, आप गुड़ को और शक्कर को और ब्राउन शुगर को मुस्तमल करें जो कि किसान अपने खेत में बड़ी आसानी से बना सकता है। और अगर फॉर एग्जांपल वो 1 एकड़ से 2 लाख रुपए का गन्ना बेचता है, मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, तो वो वहाँ से जो गुड़ बनाएगा या जो चीनी बनाएगा वो 4 लाख रुपए की, यानी कि डबल कीमत के ऊपर बेच सकेगा। और दूसरी बड़ी बात है कि इस तरीके से उस गांव के अंदर दर्जनों लोगों को नया रोज़गार मिलेगा जो उसके साथ बतौर मजदूर के, बतौर बेचने वाले के, बतौर वैल्यू एडिशन के वो सारे लोग शामिल होंगे। तो किसान जो है जब अपनी आमदनी बढ़ाएगा तो वो लॉन्ग बूट भी ले लेगा, वो अच्छी खादें भी। हमारी कोशिश और ख्वाहिश है कि किसान अमीर हो, जब किसान अमीर होगा तो पूरा मुल्क अमीर होगा। याद रखिएगा कि जिस साल किसान गरीब होता है, जिस साल उसको रेट नहीं मिलते हैं तो उस साल सनियारों की दुकानें भी बंद हो जाती हैं, उस दिन कपड़े की दुकान कारोबार भी ठंडे पड़ जाते हैं। जिस दिन मुल्क के अंदर किसान अमीर होता है सारे मुआशरे के अंदर खुशहाली फैल जाती है। तो बजाय 20-25-50 खानदानों को अमीर करने के, किसान को अमीर करने की कोशिश करें। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ जी, मेरे गाँव में जब आपने एग्री टूरिज्म का एक फेस्टिवल करवाया था तो उस गांव के अंदर एक दिन के अंदर 15,000 से 20,000 लोग आए थे जिन्होंने सिर्फ गुड़ की और उसके प्रोडक्ट्स की जो खरीदारी की थी वो 4 से 5 करोड़ रुपए की थी। वो 5 करोड़ रुपया मेरे गांव की इकोनॉमी में इंजेक्ट हुआ और आज अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे तब्दीली जो है नज़र आनी शुरू हो गई। और दूसरी बड़ी बात यह है कि गुड़ के जो मेले थे इसको बेशुमार इदारों ने, और मुझे बड़ी खुशी होती कहते हुए कि ज़री यूनिवर्सिटियों ने इसको अडॉप्ट किया और ज़री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने एग्री टूरिज़म के इस कदम को अडॉप्ट करते हुए आज पिछले 3-4-5 मेले वहाँ पे हो चुके और आज उन्होंने खुद इंडिपेंडेंटली इस रवायत को कॉपी करते हुए अपना गुड़ मेले का फेस्टिवल जो था मुनक़द कराना शुरू कर दिया। तो वैसे इसके अलावा किन किन शहरों में आप गुड़ फेस्टिवल जो है ना वो करा रहे हैं इस वक्त जी? वो एक गुड़ का फेस्टिवल का आलमी दिन जो हमारा दुनिया में मनाया जाता है और एक पाकिस्तान का कौमी दिन जो है उसका इंतखाब कर लिया गया। उस दिन में पूरे पाकिस्तान में गुड़ के मुतालिक जानकारी, नॉलेज और ख़ास तौर पर बना के दिखाने का, फैमिलीज आती हैं, बच्चे आते हैं, वो सारे लोग तशरीफ लाते हैं और एक दिन के अंदर तकरीबन कोई 30 मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो है वो गुड़ के फेस्टिवल जो है छोटे और बड़े लेवल के ऊपर जो है मुनक़द करवाए जाते हैं। बहुत ज़बरदस्त जी, हमारे मुल्क का किसान जो है ना अब वैल्यूडेशन में जा रहा है और जिस तरह साजिद इकबाल सिंधु साहब ने आपको बड़े डिटेल से इसकी सारी प्रोसेस बताया कि किस तरह हम गन्ने की पैदावार को 2500 मान तक लेके जा सकते हैं। फार्मर हमारा ब्रांडिंग सीख रहा है, वो अपने आप को ब्रांड कर रहा है, अपने फार्म को ब्रांड कर रहा है। आज जिस तरह इन्होंने कहा कि ये ब्राउन शुगर से लेकर गुड़ बनाना, शक्कर बनाना, देसी जो है ना खंड बनाना और इसके साथ मेडिकेटेड साहब जो गुड़ बनाया जाए, जैसे सौंफ का गुड़ है, अजवाइन का गुड़ है, मलट्ठी का गुड़ है, बेशुमार गुड़ बनाए जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो गुड़ बनाया जा रहा है जी वो बादाम वाला, अखरोट वाला और नट्स के जो नट्स वाला गुड़ है और इसको ये हमारी सौगात है, उसको शहरों में सौगात के तौर पर लिया जाता है।
तो आइए हम आपको कुछ अगले फार्मर से ही मिलाते हैं, देखते हैं वो किस तरह अपने मुख्तलिफ प्रोडक्ट बना रहा है, किस तरह उसको मुख्तलिफ जो है ना इस गन्ने को प्रोडक्ट में डेवलप कर रहा है, और उनसे भी पूछते हैं कि मिल में लेके जाने में और गुड़ बनाने में कितना डिफरेंस है। आइए उनसे भी बात। 200 रुपये 8,000 रुपये मन बेच के मैं इस पर कमा रहा हूँ 12-13 लाख रुपया कमा। अगर इनको मियारी आला पैदावार करने वाले बीज फराम कर दिए जाएं, तो ये अपनी मेहनत से इस मुल्क को गजाई खुद कफालत की तरफ लेके जाएंगे। ये अभी मैं मौजूद हूँ मीरा बख्श फार्म्स के ऊपर, ये जड़ा वाला के नवाही जो चक है 121 गाबे, और यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं मुनव्वर डोगर साहब जो यहाँ के फार्मर हैं। अच्छा मुनव्वर भाई, ये बताइए कि आप गन्ने के लिए कौन सी वैरायटी बेहतर समझते हैं जो इसके लिए इस्तेमाल होती है? यहाँ पे हमारे एरिए में जो सबसे ज़्यादा वैरायटी लगती है अर्ली जो तैयार होती है वो है 633 वैरायटी, वो हम गुड़ के लिए लगाते हैं। 237 वैरायटी लगाते हैं, और अभी आई है +1 133 वैरायटी है, सीपी चौकी होती है, बहुत सारी वैरायटियाँ हैं जो गुड़ ज़्यादा प्रोडक्ट दे, तो वो हम लगाते हैं क्योंकि हमने तो गुड़ बनाना है। हमें तो वो क्या कहते हैं कि मिल में तो वो कहते हैं जैसे हम हमारी इनकी लड़ाई चलती है, क्योंकि मिल वाले तो कहते हैं कि ये किसान जो है ना ये गन्ना हमें दे दे उसके बाद पैसे हमसे ले ही ना। तो मैं इसी के ऊपर आना चाह रहा था इस बात पे कि हमारा जो फार्मर है वो पूरा एक साल गन्ने की फसल एक साल की है, पूरा एक साल मेहनत करता है जी। तो एक साल मेहनत करने के बाद वो गन्ना अपना मिल को दे देता है, मिल को दे देता है। तो मिल को देने में और खुद का अपना गुड़ बनाने में आपको कितना फर्क है दोनों में, जरा थोड़ा बताइए जरा। सर देखिए, हम जो वैरायटी गन्ना लगाते हैं हम गुड़ ले रहे हैं 12 मन 100 मन का, अभी मिल पे जाएगा तो ये आपको मिलेगा 40,000 रुपया, 400 रुपया गवर्नमेंट ने रेट दिया है। अगर हम उसका गुड़ बनाएंगे तो वो हम मैं इधर 200 रुपये 8,000 में सेल कर रहा हूँ, तो मेरा बनता है वो देखे वही गुड़ जो है वो 96 उसको मल्टीप्लाई कर लें, तो 12 मन गुड़ मैं इसकी औसत ले रहा हूँ। तो मिल वालों ने तो वो 100 मन गन्ना ही काउंट करना है ना, लेकिन हमारा उसका मोस्टली जो होता है वो ये होता है कि 100 मन गन्ने से 10 मन गुड़ बनता है। अगर आप वैरायटी गन्ना लगाएंगे उसमें से 12 मन कलेक्ट होगा। बिल्कुल, अभी मैंने देखी बहुत सारी वैरायटी जो अभी कह रहे हैं जिसको मेल कह रहे हैं कि नॉन वैरायटी है, उसमें से भी तकरीबन 11 मन निकला है, उसमें से भी 11 मन निकला है, क्योंकि इस दफ़ा बारिश हुई है, गन्ने की बढ़ोतरी बहुत हुई है, गन्ने को बीमारी वगैरह कम आई, तेला नहीं पड़ा, ऐसी बीमारियाँ नहीं आई, तो वो हमें 11 मन वो भी मिल गया। वो देखें जो 2 मन इजाफी आप ले रहे हैं उसकी आप 16,000 रुपया मुझे वही मिल गया। तो इसलिए इस वजह से आप इसको गुड़ बनाने के ये एक फादियत आप अच्छा इनकम कमा सकते हैं आप। अच्छा मुझे ये थोड़ा सा बताइए इसके ऊपर कि आप ये जो गुड़ बनाते हैं ये इसको कितना मुश्किल काम है गुड़ बनाना, हमारा फार्मर जो है क्यों अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है इसको गुड़ बनाने की इंडस्ट्री को जो? नहीं, अगर एक किसान है वो पूरा साल अपनी फसल को पाल सकता है तो गुड़ बनाना तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना, ये तो आपकी तवज्जा है, आपकी वो जितनी आप उसमें तवज्जा कर लेंगे वही चीज़ आप बना सकते हैं। अगर हम अभी इकोनॉमिक्स पे बात करें कि फी एकड़ जो आपकी अभी कितनी पैदावार ऑन एवरेज आ रही है? हमारा इस एरिए की जो पैदावार है वो सर मोस्टली जो है 1400-1500 मन निकल जाता है। 1400-1500 मन निकल जाता है। अच्छा 1400-1500 मन जो है निकलती है वो अगर ऑन एवरेज की बात कर लेते हैं जी। तो अगर आप मिल को देते हैं तो कितने रुपए का पर एकड़ बनता है? सर अगर आप 1400 मन गन्ना भी लगाएं जी, 1400 मन गन्ना आपका 5.5 लाख बनता है। 5.5 लाख पर एकड़ की आपकी जो मिल से आपको जाएगा उसमें, और उसके जो पैसे हैं वो कितनी देर के बाद आपको फिर मिलते हैं? सर ये तो मिल वालों की मर्जी है ना। अच्छा जी, वो कब देते हैं, 6 माह बाद देते हैं, 2 माह बाद देते हैं, और कभी लेट हो जाते हैं? कितना टाइम लेट? साल साल भी लेट कर देते हैं, अगले सीजन पे मिले हमें। अच्छा जी, बाद दफा ऐसा भी होता है लोगों को एक साल के बाद भी देते हैं। एक साल पहले उसने फसल को पाला है, अब उसके बाद उसने मिल में ले गया गन्ना, वो बाद किस्म किसान और उसको पैसे कब मिलेंगे और एक साल बाद मिलेंगे। अच्छा, तो कितना टाइम क्या वहाँ पे मिल पे जब गन्ना आप गेट पे ले जाते हैं
और फिर उसके बाद वो इजीली वहाँ पे अनलोड हो जाता है या कुछ इसमें भी कोई मुश्किलें आती हैं? नहीं, वहाँ पे तो इजीली होते हैं, उनके वो लगे होते हैं, चैन वगैरह लगी होती है, वहाँ पे तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पता चला वहाँ पे लाइनों में लगी होती है, कई दिन वहाँ रश पड़ जाता है, फिर तो बहुत दिन लग जाते हैं। रश पड़ जाए ना अगर, फिर तो वो अपने बारी पर लगाना पड़ेगा। सर अगर गन्ना ज्यादा हो जाए ना फसल, तो जो मिल वाले क्या करते हैं, इसको वो इसमें से कटौती लगा देते हैं। ठीक है, इनके अपने कंडे होते हैं। हाँ। ये तो इनकी ईमानदारी है ना कि ये कितना तोलते हैं कितना नहीं तोलते। किसान के पास तो कंडा नहीं है, ये तो इनकी है, इनके बिहार पे है ना, इसने करना है क्या है। जो हम खुद अपनी चीजें बना रहे हैं इस पे तो हमें तो कोई नहीं है डाउट, हमें तो हम खुद अपने वजन से वजन कर सकते हैं इसका, हम हर चीज में बनाने में आजाद हैं। तो मैं कहता हूँ हमें खुद से कुछ ना कुछ करने का जज्बा होना चाहिए। बहुत बेहतर बेहतरीन बात आपने किया। जैसे अभी आपने कहा कि एक मेल में जब आपका 1400 मान ऑन एवरेज जाता है तो 5.5 लाख रुपए का रेवेन्यू आता है, जी आता है इसमें। तो अगर आप इसको गन्ना को गन्ने से गुड़ बनाने के प्रोसेस में जाते हैं तो 1400 मान से कितना गुड़ बनता है, उसकी क्या मालियत बनती है? सर ये 1400 मान से आप मेरी जो औसत आ रही है ना उससे आपका 1400 मान से निकलेगा 152 मान। ठीक है, आपका नेट गुड़ निकला। हाँ, उसको आप मल्टीप्लाई 8 पे कर दें। ठीक है, जो मैं वो रेट दे रहा हूँ, ये मेरी वैरायटी पड़ी हुई है। ठीक, इसको आप देखें, इस वैरायटी का गुड़ मैं 200 रुपए में सेल कर रहा हूँ। जब आपको आपको मार्केट में ये नहीं मिलेगा, ये 250 में मिलेगा आपको। तो इस वजह से वो मेरा तकरीबन जो मैं 200 रुपए में 8000 रुपए मन बेच के मैं इस पर कमा रहा हूँ 12-13 लाख रुपया कमा रहा हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, 5.5 लाख रुपए और 12 लाख रुपए आप इसमें डिस्टेंस निकाल लें, ये ऑलमोस्ट डबल से ये डिफरेंट निकलेगा। आप जहाँ से मर्जी निकाल लें ये इंशाल्लाह, अगर इसको हम वैल्यूएट करें इसमें इसके नेट्स वगैरह डाल लें, इसको मेडिकेटेड तरीके से बनाएं, मसलन इसमें मलट्ठी डाल लें, सौंफ डाल लें, काली मिर्च। अभी ये भी मैंने बड़ा अच्छा इनसे अभी आज आपने देखा यहाँ पे मलट्ठी का गुड़ बना रहे हैं, सौंफ का गुड़ बना रहे हैं, अजवाइन का गुड़ बना रहे हैं, फिर जो इलायची का गुड़ बना रहे हैं और इसे काली मिर्च का जो है ब्लैक पेपर का गुड़ बना रहे हैं, लॉट ऑफ जो मेडिकेटेड गुड़ जो है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त एक ट्रेंड पाकिस्तान में सेट हो रहा है। तो ये अगर मेडिकेटेड गुड़ जो आप बना रहे हैं उसमें कितना फिर आप उसकी क्या प्राइस? वो मैं 600 रुपए किलो बेचता हूँ। अच्छा जी, तो वो तो फिर आप देखें ना कि एक एकड़ को आप 50 पे ले 50 लाख पे ले जाए, 50 लाख रुपए उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। बिल्कुल ठीक है, तो और इसके अलावा आप कौन कौन सी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो है ना इसे बना रहे हैं गुड़ से, यहाँ पे जो गन्ने से क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं? सर इसके साथ ब्राउन शुगर बनाते हैं। ठीक है सर, देखे इसमें देखेगा हमारी लेबर। हाँ। इसका वो इस्तेमाल हो रहा लेबर का, जो इसका ऊपर से जो सबज पत्ता है उसके साथ हम अपना जानवर का वो चारा निकालते हैं। सबसे जो बेनिफिट हमें वो अपने जानवर का पालना है, हमें लो कॉस्ट पे जानवर पालता है, ये हमारी जानवर के लिए ठोस और बेहतरीन चारा है। मसलन ये होगा कि अगर मैं इसका इस्तेमाल करूँगा गन्ने के जो उसका सभी पत्ते का, तो मुझे कम बरसन डालना उसमें इस्तेमाल करूँगा। अगर मैं उसकी नस्बत चूड़ी वगैरह या कोई और पराली वगैरह इस्तेमाल करूँगा तो मुझे ज़्यादा सब चारा ज़्यादा उगाना चाहिए पड़ेगा। आपने मुनव्वर डोगर की बात सुनी जी, ये एक फार्मर हैं और ये कोई 14-15 एकड़ का फार्मर है जिन्हें 14-15 एकड़ का गन्ना लगाया हुआ है। अभी ये पिछले जो है ना अबाव जदा से गुड़ बनाने का अपना जो है ना काम कर रहे हैं, और इन्होंने कहा जी जब हम पहले जो है मिल को गन्ना देते थे और इसके साथ ही अभी गुड़ बनाने का काम शुरू किया, अब ये बहुत हैप्पी हैं। आज हम शुगर केन पे बात कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं शौकत अली चदर साहब, जो कि एग्रीकल्चर का एक पूरा एक चैम्बर जिसका नाम है चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर पाकिस्तान, इसके जो प्रेसिडेंट हैं, किसान लीडर हैं और हमारे किसानों को इनकी लीडरशिप में बहुत से इनको जो है ना बहुत से ऐसे मुफीद मशवरे भी देते हैं और किसानों की पूरी जंग भी लड़ते हैं। हम इनसे पूछेंगे ये जो हमारी शुगर केन का जो रोड असेस फंड है ये कितनी मिलें कटौती करती हैं और ये कहाँ कहाँ पर लगता है और इस फंड का हमारे किसानों को क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहले तो शौक साहब आपका बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए और आपने जो है ना हमें ज्वाइन किया। तो ये बताइए कि ये जो हमारा शुगर केन रोड असेस फंड है ये कब से लागू है और कितना इसकी रेशो कितनी है इसकी? जी हौज़ बिल्लाह शैतवान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं डिस्कवर पाकिस्तान की टीम का आपका बहुत बहुत तारक साहब शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने किसानों की आवाज़ जो कहीं भी नहीं सुनी जाती आज उसको उन ऐवानों तक उन कानों तक पहुंचाने की कोशिश की है कि शायद जो अपने कान बंद कर चुके हैं। तो इसमें मैं आपकी पूरी टीम का इंतहाई मशकूर हूं।
दूसरी आपने जो बात की तो इसके नाम से ही आपको थोड़ा सा इससे वाजे हो जाएगा कि कब ये लागू हुआ और ये क्या चीज़ है जिस टैक्स का आप जिक्र कर रहे हैं। तो इसका नाम है पंजाब शुगर केन डेवलपमेंट सेस, ये है इसका पूरा नाम, सेस टैक्स को कहते हैं। तो ये 1964 के अंदर ये पहली दफ़ा ये रूल्स आए जिसके तहत ये टैक्स लगना शुरू हुआ। वैसे तो 1950 से ये शुगर केन एक्ट है और ये सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। तो इसका बुनियादी मकसद ये था कि इसके नाम से जैसे जाहिर हो रहा है कि बुनियादी तौर पर इसने इसके ज़रिए शुगर केन की डेवलपमेंट पे काम होना था, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट भी शामिल थी, इसकी वैरायटी की डेवलपमेंट भी शामिल थी और इस रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ जिनकी तरवीज होना थी और इसने पनपना था। लेकिन ये एक कूजे के अंदर बंद होकर रह गया पूरा का पूरा सिस्टम। इसको ऐसे अडॉप्ट किया गया कि इस फंड को किसान से, इसके कंट्रीब्यूटरी चूँकि किसान और शुगर मिल दोनों हैं, दोनों 50-50% कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसकी रेशो क्या है इसकी फिर इसकी? ये जो इस वक्त शुगर केन डेवलपमेंट सेस है ये 5 रुपए पर मन है। अच्छा। तो कानून इसका यही है कि ये 50-50% बीए करेगा, 50% शुगर मिल बीए करती है। जो अभी हमारा फार्मर पे कर रहा है 2.5 रुपए मिल पे कर रही है। और ये जो कलेक्ट होके ये खजाना सरकार के अंदर जाता है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में ये एक स्पेशल इसका अकाउंट बना हुआ है, ये अपने केन कमिश्नर डिपार्टमेंट के तहत वो वर्क करता है, वहाँ पे ये कलेक्ट होता है। और हर शुगर मिल ने 14 दिन के अंदर जितना उन्होंने ये सेस इकट्ठा किया होता है उन्होंने वहाँ पे जमा करवाना होता है और ईयर एंड वो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसकी यूटिलाइजेशन के लिए वो शिफ्ट हो जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और फिर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर शुगर केन डेवलपमेंट सेस कमेटीज़ बनी हुई हैं जिसके अंदर ग्रोअर रिप्रेजेंटेटिव भी है कानून के मुताबिक, जिसके अंदर मेल रिप्रेजेंटेटिव भी कानून के मुताबिक है, और हमारा जो डीसी होता है वो एडिशनल केन कमिश्नर के तौर पर चूँकि एक्ट कर रहा होता है वो इसका चेयरमैन होता है। और वो कमेटी ने फिर ये देखना होता है कि हमने इस फंड को कहाँ पर यूटिलाइज़ करना है, किस जगह पे इसने इस्तेमाल होना है। अब हो क्या रहा है कि ये फंड्स की यूटिलाइजेशन में गड़बड़ हो रही है कि जिस मकसद के लिए ये फंड कायम किया गया था अब उस मकसद से हम हट चुके हैं। अब उसमें एक ऑप्शन है कानून के तहत कि ऑप्टेड मेंबर जो है वो इस कमेटी में लिया जा सकता है, और वो चूंकि चेयरमैन का स्वाबदीदी इख्तियार होता है तो वो अब सियासी लोग जो हैं उनको पॉलिटिकली नवाजने के लिए वो ऑप्टेड मेंबर के तौर पर इन कमेटियों में लिया जा रहा है और वो डोमिनेट करते हैं उन कमेटियों के अंदर कि वहाँ पे शुगर मिल और कानून तो ये कहता है कि शुगर मिल और ग्रोअर की मर्जी के बगैर ये फंड यूटिलाइज नहीं हो सकता। वो फंड जो है वहाँ पे सरकारी जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं वो फंड्स अपनी मर्जी से वहाँ से जारी करवा लेते हैं, फिर ऐसी जगहों पे उस फंड की यूटिलाइजेशन करते हैं कि शायद जहाँ पे ना कभी गन्ना काश्त हुआ और ना कि गन्ने के डेवलपमेंट के हवाले से वहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, इसका जैसे रोड से आपने रोड सेस फंड का मतलब जैसे इसमें लग रहा है कि ये रोड की डिवेलपमेंट पर लगना था, इसे रोड बनने थे जिस यहाँ से गन्ना लेके जाना था, तो क्या इसके ऊपर नहीं लग रहा है इसका फंड आपका? नहीं, ये बिल्कुल जो रियलिटी है कि इसको उन एरियाज़ के अंदर लगाना चाहिए जहाँ पे गन्ना काश्त होता हो, गन्ने की काश्त होती है, और यहाँ से आने वाले वक्तों में जब ये क्रशिंग सीज़न हमारा स्टार्ट होता है उस वक्त में ट्रैक्टर ट्रालियाँ जो है उस रोडों से गुजर कर जिन्होंने शुगर मिल तक अप्रोच करना होता है, ये बेसिकली उन रोड्स को नई बनाने के लिए, उनकी तामीर और मरम्मत के लिए इस फंड का यूज़ होना था। और दूसरा इसके साथ ये नहीं है कि अकेला इसने कोई रोडों की तामीर के लिए इस फंड की यूटिलाइजेशन दी, साथ साथ गन्ने की वैरायटीज की डेवलपमेंट, इसकी रिसर्च के हवाले से नई मशीनरी बहुत सारी चीज़ें। इस वक्त हम ये समझते हैं कि एक बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि हमारे पास गन्ने का जो रिकवरी है उसमें जो शुगर कंटेंट है उसको चेक करने के लिए हमारे पास एक ही लेबॉर्टरी है जो इस वक्त हमारे केन कमिश्नर डिपार्टमेंट के पास है। और ये कहाँ पे लेबॉर्टरी बनी हुई है? ये मोबाइल लेबॉर्टरी है और ये लेबॉर्टरी मैं समझता हूँ कि हर डिस्ट्रिक्ट में हर शुगर मिल एरिया में होनी चाहिए ताकि किसान अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए उस लेबॉर्टरी से जाके अपने गन्ने की टेस्टिंग करवाए और फिर ताकि किसान को भी ये पता चले कि ये जो है इसमें रिकवरी या शुगर कंटेंट कितना है। और दूसरी एक और बात भी मैं यहाँ पे आपके साथ करता चलूँ कि कानून के अंदर ही जो शुगर फैक्ट्री कंट्रोल एक्ट है उसके अंदर ही
प्रीमियम लफ्ज का भी एक जिक्र आया हुआ है कि अगर कोई काश्तकार ऐसा गन्ने की ऐसी वैरायटी डेवलप कर रहा है या ऐसी वैरायटी तैयार कर रहा है या उसने अपनी फसल को इस अंदाज से तैयार किया है कि उसका शुगर कंटेंट आम किसान से ज़्यादा आ रहा है, तो फिर उसको क्वालिटी प्रीमियम के माध्यम में पैसे भी मिलने होते हैं। अच्छा, वो इसी फंड से ही? नहीं, वो अलग से है क्योंकि अब उसने एक बेहतरीन वैरायटी तैयार की है और उसने शुगर कंटेंट मिल को ज़्यादा दिया है, तो वो उसको पैसे ज़्यादा मिलने चाहिए। खासे अरसे से किसान को वो क्वालिटी प्रीमियम भी नहीं मिल रहा, और ये जो शुगर कैन डेवलपमेंट सेस है जिसका बुनियादी काम ये था कि हमने वैरायटीज डेवलप करनी थी, वो वैरायटीज डेवलपमेंट के लिए भी ये फंड्स बिल्कुल नहीं इस्तेमाल हो रहा, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये इस सीज़न के अंदर जिसमें अब हम यहाँ पे खड़े बात कर रहे हैं, कोई 14% से लेकर 22% गन्ने की काश के अंदर कमी वाकई हुई है। आप ये देखें कि एक बड़ी इंडस्ट्री जो है इसी फसल के साथ वाबस्ता है, तो किसान के पास तो और भी ऑप्शंस मौजूद हैं कि वो गन्ना नहीं लगाएगा, कोई और फसल लगा लेगा। अब इंडस्ट्री जो है इस दफ़ा उनका, तो वैसे मैं इस हवाले से शुक्रिया अदा करूंगा कि गन्ने के रेट के हवाले से इंडस्ट्री किसान के साथ खड़ी थी। उन्होंने कहा जी किसान गन्ने का रेट का जितना मुतालबा कर रहे हैं इनको उतना ही देना चाहिए, लेकिन हुकूमत का क्योंकि कंसर्न चीनी के रेट के हवाले से बड़ा होता है और वो बदकिस्मती से वो चीनी का रेट इनसे बरकरार भी नहीं रह पाता कि ये किसान से सस्ते दामों गन्ना इसलिए ख़रीदते हैं कि ताकि चीनी की कीमतें बरकरार रहें, लेकिन जब वो किसान से गन्ना ख़रीद लेते हैं और उससे चीनी बन जाती है, फिर वो चीनी की कीमतों पे भी इनका कोई इख्तियार नहीं रह पाता। इस मुल्क के पास बेहतरीन मौसम भी हैं, बेहतरीन ज़मीनें भी हैं, और सबसे बढ़कर जफाकश और मेहनती किसान है। तो पुरानी चीज़ है लेकिन अब नई जनरेशन को कैसे देनी है ये चीज़, तो ये हम देसी खंड बना रहे हैं, ब्राउन शुगर वगैरह। तो शौक साहब, ये बताया कि ये जो सेस फंड है क्या सिर्फ शुगर केन में है, क्योंकि मैं ये बड़ा जनरल क्वेश्चन है कि क्या बाकी फसलों में भी ये जो है ना लिया जा रहा है? ये हमारी ना दो बड़ी क्रॉप्स के अंदर ये फंड जो है ये वसूल किया जा रहा है, एक शुगर केन के अंदर है, गन्ने के अंदर है, दूसरा कॉटन के अंदर है, क्योंकि कॉटन भी हमारी एक मेजर क्रॉप है। पिछले साल का अगर मैं आपके साथ सिर्फ अगर शुगर केन डेवलपमेंट सेस की बात करूँ तो 5,42,00,00,000 के लगभग इसकी अमाउंट बनती है कि जो ड्यू था मुख्तलिफ शुगर मिलों के ज़िम्मे था, जिसमें से 5,00,00,000,000 जो है वो रिकवर किया हमारे केन कमिश्नर डिपार्टमेंट की तरफ से, जबकि 42,00,00,000 जो अभी भी रिकवरेबल है। इसका मतलब है 20% जो है वो अभी हमारा वो रहता है। चांद एक ऐसी शुगर मिल जाए, नाम तो नहीं मैं उनका लूँगा, कि वो शुगर मिल जो है उन्होंने अपना ये वतीरा बनाया हुआ, वो कभी भी ये डेवलपमेंट सेस देती नहीं है। वो फार्मर जो है ना वो टायर पे ऐसे हिसाब से पैसे दे रहा है फार्मर से, तो एट द टाइम एट द स्पॉट वो डिडक्ट हो जाता है, क्योंकि उसकी जब सीपीआर बनती है उसकी सीपीआर के अंदर ये डिडक्शन है शुगर केन सेस की शामिल होती है और उससे वसूल कर लिया जाता है, लेकिन खजाना सरकार में नहीं जाता, उसको वो अपनी मर्जी से यूज़ करते हैं। अब आपको मैं यहाँ पे मिसाल देता चलूँ कि एप्टमा हमारा इदारा है, और एप्टमा ने पिछले कई सालों से हमारा जो कॉटन सेस है वो कलेक्ट तो किया है, किसान से वसूल तो किया है, अपना हिस्सा भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन उन्होंने हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूशन को फंड्स वो ट्रांसफ़र नहीं किए, जिसकी वजह से कॉटन जो हमारी एक मेजर क्रॉप थी, इसको हमारे मुल्क के अंदर वाइट गोल्ड भी कहा जाता है, वो तबाही के दहाने पर पहुँच चुकी है कि हम कहाँ थे और कहाँ पर आके खड़े हो गए। ये मुल्क जो 3.5 करोड़ बेल्स कॉटन की बनाता था, आज हम 50 लाख पे भी नहीं हैं। तो इसके पीछे इस तरह के पैसे जब रुकते हैं, ये फंड्स रुकते हैं जिस बेसिकली डेवलपमेंट का फंड है, तो फिर इस तरह के नुकसान होते हैं कि हम अपनी उस क्रॉप के अंदर फेलियर की तरफ जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो हमारा शुगर केन डेवलपमेंट सेस है इसको हम इसी तरह सियासत की नज़र करते रहें, इसी तरह इसको इस्तेमाल करते रहें, और फिर ये हमारा जो गन्ना है इस इलाके के अंदर आपको गन्ना मादूम नज़र आए, आपको कहीं इसके खेत नज़र ना आए, इन खेतों को भी बचाना है, किसान को भी बचाना है, और इसको एक वैल्यूएबल इंडस्ट्री के तौर पर हमने अगर उभारना है, तो फिर मेरा ये मुतालबा है जितने भी साहब इख्तियार हैं कि इसका 50% कम अज़ कम जो है हम भी हमारे इदारे के तहत भी
शुगर केन ग्रोअर्स वेलफेयर सोसाइटी काम कर रही है, इस तरह बहुत सारी और भी काम कर रही हैं। ये भी गन्ने की डेवलपमेंट पे और गन्ने की रिसर्च पे काम कर रही हैं। गवर्नमेंट के भी बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं, उनको ये फंड्स जारी होने चाहिए ताकि वो गन्ने की रिसर्च पे और गन्ने की डेवलपमेंट पे इन फंड्स को लगाएं। मैं समझता हूँ कि हमारे फार्मर की अवेयरनेस और उनको पता लगना बड़ा ज़रूरी है कि एज ए लीडर आपका ये आपका बल्कि मैं समझता हूँ आपके ऊपर फ़र्ज है कि हमारे किसानों को ये अवेयरनेस जो है ना उनको पहुँचनी चाहिए सारी चीज़। अब तो हमारे मुल्क के तमाम साहिब इख्तियार इदारे जो हैं वो सारे इस हकीकत को समझ चुके हैं कि इस मुल्क की जो तरक्की है उसका राज रात की तरक्की के अंदर छुपा हुआ है, और वो इस पर कोशिशें भी कर रहे हैं। अब पिछले दिनों इस्लामाबाद के अंदर कौमी किसान कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, वहाँ पे हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने किसानों से ख़ताब करते हुए कहा कि ज़रात जो है हमारी तरजीह अव्वल है। अब तक भी इस मुल्क के अंदर बहुत नारे इस पे लगते रहे लेकिन अमलन काम ना हुआ। अब पहली दफ़ा नज़र ये आ रहा है कि इस पे अमलन कोई काम हो रहा है, तो मैं इस मौके पर सबसे पहले तो मैं अपनी हुकूमत और इदारों से ये मुतालबा करता हूँ कि इस मुल्क के पास बेहतरीन मौसम भी हैं, बेहतरीन ज़मीनें भी हैं, और सबसे बढ़कर जफा काश और मेहनती किसान है। अगर इनको मियारी और आला पैदावार करने वाले बीज फराहम कर दिए जाएं, तो ये अपनी मेहनत से इस मुल्क को गज़ाई खुद कफालत की तरफ लेके जाएंगे। दूसरी तरफ मेरा जो किसान है उस बेचारे का मसला ये है कि उसको ना तो जदीद टेक्नोलॉजी इस वक्त मयसर है, और वो आज भी मुल्क के अंदर जितने ज़रई कवानीन हैं उन ज़रई कवानीन की सबसे बड़ी खामी मैं ये समझता हूँ कि वो किसान सपोर्टिंग नहीं है। वो हुकूमत सपोर्टिंग तो ज़रूर हैं। आप ये देखें कि अडल्टर्ड आपके पास जितनी पेस्टिसाइड्स हैं, सब स्टैंडर्ड सीड्स आपको मिल रहे हैं या इस तरह की चीज़ें हैं, तो उस पर जुर्माना थोड़ा बहुत जो होता है नॉमिनल था वो चार्ज कर लिया जाता है, लेकिन वो मुतासरा फ्रीक जो किसान बेचारा है जिसने उस बीज को आके अपने खेत के अंदर बीजा है, उसने उस पर अखराजात किए, उसको क्या मिलता है? उसको बेचारे को तो कुछ नहीं मिल पाता। इसी तरह अब ये करें, यूरिया खाद है उसकी ब्लैक मार्केटिंग इस मुल्क के अंदर शुरू हुई है। अब उस ब्लैक मार्केटिंग में बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं जो इस ब्लैक मार्केटिंग को रोक रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? वो फाइंस कर रहे हैं, जुर्माने कर रहे हैं। कभी उस किसान को वो पैसा वापस मिला कि जो उसने 3610 की बोरी जो उसको मिलनी थी वो 5000 रुपये में ख़रीद के लाया, तो चाहिए तो था कि उसको जो एक्स्ट्रा पे किए गए पैसे उस बेचारे को वापस मिलते ताकि उसको रिलीफ मिल पाता। तो मेरी एक तो अपने साहब इख्तियार तबकों से ये गुजारिश है कि इस मुल्क के अंदर ज़रात के हवाले से कम अज़ कम ऐसे कवानीन फोकस कवानीन बनाएँ कि जो जिनमें सज़ाएँ जो हैं वो फार्मर कंपनसेशन बेस्ड हों, ताकि उसमें फार्मर्स को बेनिफिट पहुंचे। दूसरा, मैं अपने किसान भाइयों से ये गुजारिश करूंगा कि अब आप इसको भूल जाएं कि आपके साथ कोई आके खड़ा होगा या आपके साथ तामन करेगा। हम खुद इस मुल्क के रखवाले हैं और हमने खुद इस मुल्क की फूड सिक्योरिटी की हिफाजत करनी है। हमने इस मुल्क के अंदर इतनी वाफर मकदार में अनाज पैदा करना है जिससे ना सिर्फ हम अपनी गजाई ज़रूरियात को पूरी कर सकें बल्कि हम इस मुल्क का जो कसीर ज़र मुबादला हम हर साल खुराक की दरामद पे, मैं इस वक्त आपके साथ शेयर करता चाहूँ कि 10 अरब डॉलर सालाना हम ना खोतनी तेल और खुराक की आइटम्स के अंदर वो खर्च कर रहे हैं इसकी इंपोर्ट पे। तो इसको कम करने में मेरे किसान को आगे बढ़ना चाहिए, रोल प्ले करना चाहिए, वो खुद इस तरह के इदारों से राबता करें जहाँ पे आपको तकनीकी महारत फराहम की जाती है, आप टेक्निकल ट्रेनिंग्स लें वहाँ पर जाके। आपके पास कोई अच्छा किसान अगर काश्तकारी कर रहा है तो ये डिजिटल का दौर है, उसको वो खुद ऐसे इदारों से जैसे डिस्कवर पाकिस्तान इनसे रब्ता करें, ये आपकी आवाज़ को आम किसानों तक भी पहुंचाएंगे ताकि आम किसानों के लिए वो एक लर्निंग का ज़रिया भी बने, उससे सीखें भी और सीख के आप इस जेन के साथ आगे बढ़ें कि हमने अपनी गजाई पैदावार के अंदर इजाफा करना है और मुल्क को गजाई खुद कफालत की तरफ ले, और अल्टीमेटली हमने किसान को खुशहाल करना है। और ये मैं आपके ये कहता चलूँ कि ये भी एक हकीकत है कि इस मुल्क की आबादी में 14 करोड़ किसान हैं। अगर 14 करोड़ किसानों के घरों के अंदर खुशहाली आएगी तो मैं ये समझता हूँ कि मईशत का पहिया रवा दवा होगा और मुल्क खुशहाल होगा। मैं समझता हूँ हमारे इस तरह के जो यंगस्टर हैं, जो बच्चे हैं, फैमिली जो किसान की फैमिली के बच्चे हैं, वो बहुत ज़रूरी है उनको ये बात समझना कि हमने अपने आबाई पेशे को छोड़ना नहीं है, हमने आबाई पेशे में कोई ऐसी जिद्दत लेके आनी है जिससे हमने डायरेक्ट फ्रॉम द फार्म डायरेक्ट टू द कंज्यूमर ब्रांडिंग पे जाके हमने जो है ना अपने ख़ानदान के लिए बेहतर पैसे कमाने हैं। तो ये हनान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हनान भाई थैंक यू वेरी मच।
बहुत अच्छा लगा, आप यंगस्टर हैं और अपनी फैमिली के काम को लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो आप बताइए आपने क्या नई चीज़ इसमें जो है ना ऐड की है, जो आप पहले तो आपके फोर फादर सारा गुड़ बना ही रहे थे, तो आपने क्या ऐड किया इसके? सर हमने ऐड किया ब्राउन शुगर, जिसे हम देसी खंड बोलते हैं पंजाबी में। तो सब बना रहे थे गुड़ बना रहे थे, शक्कर बना रहे थे, गुड़ बना रहे थे, शक्कर बना रहे थे, या फिर मिल में गन्ना देते थे। लेकिन हमने ये सोचा कि नहीं यार, कोई नई चीज़ होनी चाहिए, है तो पुरानी चीज़ है लेकिन अब नई जनरेशन को कैसे देनी है ये चीज़, पहचान होनी चाहिए। सुना ये नाम, मैंने भी पहले नाम सुना था, लेकिन ये अब मैंने इसको मीना बख्शी जब फाउंड किया है इसको, तो ये हम देसी खंड बना रही है ब्राउन शुगर वगैरह, तो ये हमने इंट्रोड्यूस करवाई है। आपका ब्रांड नेम क्या है? ये शुगर कैन विलेज, ये हमारा ब्रांड का नेम। आपने अपने जो ब्रांड बनाया है शुगर कैन विलेज, कहाँ कहाँ बेचा और कैसे बेचते, कैसे हैं आप? ये तारक भाई तकरीबन पूरे पाकिस्तान में हमारे चल रहा है ये काम, ये पेशावर, कराची, लाहौर, और यह था कि हम स्टॉल्स वगैरह भी लगाते हैं, अगर किसी ने कोई मंगवानी हो चीज़ वो हमसे ऑनलाइन भी मंगवा लेते हैं, कॉल वगैरह करते हैं या वेबसाइट है हमारी तो हमसे कांटेक्ट कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। और पैकिंग की क्या क्या चीज़ें आपने पैकिंग डाली है इसमें? इसमें ये स्पेशल गुड़ है जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह का, और सादा गुड़ है, शक्कर है, और ये ब्राउन शुगर है जो हम पैकिंग में बेच रहे हैं। ठीक है। और अगर किसी ने भी मंगवानी हो तो हमें सिर्फ कॉल करें तो हम उसको पार्सल कर देते हैं। देखिए जी, हमारे जो बच्चे हैं ये अभी जो एग्रीकल्चर फैमिलीज़ के हैं, हम मैं समझता हूँ जब जब पढ़ लिख गए हैं, कंप्यूटर इनके हाथ में आ गया, एंड्रॉयड मोबाइल इनके हाथ में आ गया, तो अब ये ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने आबाई पेशे को कर पाएंगे। तो हनान आप बताइए, हमारे जो बच्चे हैं जो हमारे जो फार्मर्स के फैमिलीज़ के बच्चे हैं, वो किसी और पेशे में जा रहे हैं, जैसे हमने देखा डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर के बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, लेकिन किसान का बच्चा किसान नहीं बनना चाह रहा, तो आप उनके लिए कैसे मोटिवेशन पैदा कर सकते हैं उनके अंदर, कि आपने कैसे सोचा, कैसे आपके जहन में ख्याल आया, और आप एक फार्मर जो हैं, एक जो प्रोग्रेसिव फार्मर ही बन रहे हैं और अपनी चीज़ें भी वैल्यू एडिशन में ले जाके बेच रहे हैं? सर मेरा एक जहन में यही बात होती है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, वो चाहे किसान का है, डॉक्टर का है, वो छोटा नहीं होता। तो मैंने यही कि सब चीज़ जिद्दत की तरफ जा रहे हैं और पुरानी चीज़ें वो छोड़ रहे हैं, लेकिन एक बार आप एक चीज़ और नोट करें कि अब जो दुनिया वो पीछे फिर बैकवर्ड हो रही है, वो पुरानी चीज़ों को पसंद करती है। बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे अब किसी होटल में चले जाएं तो कच्चे बर्तन मिलते हैं आपको खाने पीने के लिए, उनमें ये यूज़ करते हैं। इसी वजह से मैंने भी यही कहा कि जो हमारी पुरानी चीज़ थी वो है भी हेल्थ के लिए अच्छी है, तो इसलिए मैंने ये कहा कि नहीं इसको मैंने लेके चलना है। और आपने बेहतरीन ब्रांड बनाया? बिल्कुल, मैंने इसको ब्रांड बनाया और पैकिंग में किया, और मैंने लोगों तक, मैं आम आदमी तक इसको पहुँचा के रहूँगा इंशाल्लाह, ये मेरा अज़्म है। देखिए जी, हमारे मुल्क का जो किसान है वो ब्रांडिंग करना सीख रहा है, हमने देखा है कि वो किस तरह अपने फार्म को ब्रांड कर रहा है, अपनी प्रोडक्ट को ब्रांड कर रहा है, और इसके साथ साथ वो अपने आप को भी ब्रांड करना सीख रहा है। और इसके साथ हमने देखा हमारे जो फार्मर हैं उनके जो अगली नस्ल है, जो हमारे बच्चे हैं, वो भी अपने भाई पेशे में आ रहे हैं और उसको जिद्दत में लेके जा रहे हैं, ई कॉमर्स को अडॉप्ट कर रहे हैं, मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके साथ साथ कंप्यूटर के साथ, इंटरनेट के साथ अपनी बहुत सी प्रोडक्ट बना के पूरे पाकिस्तान में लेके जा रहे हैं। अब हमारे शहर के लोगों का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हमारे फार्मर को सपोर्ट करें। यकीन जानिए, हमारा फार्मर जो है, अगर हम इसको सपोर्ट करेंगे, हम अपनी लोकल प्रोडक्ट मेड इन पाकिस्तान चीज़ें खरीदेंगे, उससे हमारा किसान जो है वो खुशहाल होगा और इससे तरक्की की नई राहें खुलेंगी, क्योंकि हमने देखा 15 करोड़ हमारा किसान जो है वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। इनकी प्रोडक्ट पर एतमाद करना सीखें। अगर हमने अपने किसान को सपोर्ट ना किया तो एक दिन ये आएगा कि हमारा यही किसान जो है ये गांव छोड़ के शहरों की तरफ आ जाएगा और शहरों की आबादियाँ फिर हमसे कंट्रोल नहीं हो पाएगी। हमने इनको गांव की सतह पर सपोर्ट करना है। वो लोग जो शहरों में रहते हैं वो जैसे अपने वकील को जानते हैं कि मेरा फैमिली वकील कौन है, वो लोग जानते हैं मेरा फैमिली डॉक्टर कौन है, वो ये नहीं जानते कि मेरा फैमिली फार्मर कौन है। तो हमने अपने फार्मर को भी जानना है, हमने अपने फार्मर को भी देखना है, हमने अपने गाँव की तरफ जाना है। मैं हमेशा शहर के लोगों को कहता हूँ कि जिनके पास गाँव है वो गाँव जाया करें, जिनके पास गांव खो गए वो अपना गांव तलाश करें, और जिनके पास गांव नहीं है वो अपना गांव जो है ना अडॉप्ट करें, अपना गांव बना लें। तो गांव खुशहाल होंगे तो हमारा फार्मर खुशहाल होगा, इससे हमारा मुल्क खुशहाल होगा, इसी से हमारी रूरल डेवलपमेंट जो है ना होगी और शहरों पे हमारी आबादी का प्रेशर भी कम होगा। तो आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि हमने जिस तरह शुगर को फार्म से लेकर एंड प्रोडक्ट आपके सामने पेश किया, आपके लिए ये मालूमात जो है ना बहुत ही मुफीद साबित हुई होंगी। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में नई मालूमात के साथ, तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए किसान का पाकिस्तान, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान।